नमस्कार सत श्री अकाल। IBF दे पेज से अज तुहाडा सारयां दा फिर तों स्वागत है। IBF दे पेज से अज दा जिहड़ा अपना विशा है वह है मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स एंड मैनेजमेंट। तो आओ मिलते हैं डॉक्टर माधवी अरोड़ा सेठी जी ने ते डिस्कस करते हैं अपना अज दा विशा। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम। जिदा अपना जिहड़ा विशा है वह है मेनोपॉज़ दे रिगार्डिंग। तो सब तो पहले असीं पूछना चाहांगे कि मेनोपॉज़ हुंदा की है। एक फीमेल की जैसे रिप्रोडक्शन की जो ये कहिए कैपेसिटी है, बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है, वो एक लिमिटेड एज तक होती है। उसके बाद एक फीमेल को पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं। तो जो पीरियड्स बंद होना, हार्मोन बनने बंद होना, इस सिचुएशन में हम मेनोपॉज कहते हैं। मैम ऐसे पूछना चाहेंगे कि मेनोपॉज किस एज ग्रुप के बीच आके होता है? नॉर्मली जो मेनोपॉज रहता है 40 से लेके 55 ईयर फीमेल में भी होता है। काफ़ी कुछ ऐसी लेडीज़ भी होती है जो 60 की एज में जाके होता है। ज़्यादा डिलेड हो तो एक बार इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी होता है कि बहुत डिले नहीं होना चाहिए। एंड बहुत आजकल बहुत सी मल्टीपल और बीमारियों की वजह से अर्ली मेनोपॉज भी होने लग गया, जिसको हम प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर वगैरह भी कहते हैं। ऐसे सिनेरियोज में कुछ कुछ लेडीज़ में 20-25 साल की उम्र में भी मेनोपॉज़ देखा गया। मैम जिदा अपन पता लगता है कि मेनोपॉज़ के रिगार्डिंग पेशेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं लेडीज़ को? प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकती हैं जैसे जॉइंट पेन्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा हॉट फ्लशेज हैं, साथ में जैसे एकदम से ठंड लगना आधी रात में, एकदम से गर्मी लगना आधी रात में, ये सब सिम्टम्स मेनोपॉज़ल सिम्टम्स हैं, पेरी मेनोपॉज़ल सिम्टम्स हैं। मेनोपॉज़ शुरू होने से साल पहले शुरू हो जाते हैं ये सब सिम्टम्स। जो फीमेल का हार्मोन रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है आपको। इसीलिए फीमेल्स में अगर जाने हम तो फीमेल में हार्ट अटैक के चांसेस मेल से काफ़ी गुना कम रहते हैं, बिकॉज उनके बॉडी में एस्ट्रोजन रहता है। तो जब एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है तो हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। कैल्शियम भी बॉडी में बोन्स में जाना कम हो जाता है, इस वजह से जॉइंट पेन्स और चलने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सब सिम्टम्स हैं। तो देखा जाए तो हम आपको पता चले है कि मेनोपॉज की होता है, किस एज ग्रुप में जाके होता है और की जो प्रॉब्लम्स ने वो आदि। तो मैं वैसे हम पूछना चाहूँगी कि इसकी मैनेजमेंट किदा की जा सकती है? जैसे कि अब आपको एक अब मेनोपॉज हो गया, एज भी बढ़ रही है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट और एक गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम इनटेक आपको रेगुलर कर देना चाहिए एंड नेचुरली भी आप अगर दूध का इनटेक वगैरह बेटर कर देते हैं, कैल्शियम ऐसे भी बॉडी में जा सकता है। एंड अगर जैसे वो हॉट फ्लशेज वगैरह के और वैसे कॉन्स्ट्रिक्टिव सिम्टम्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसे केसेस में हम आपको सोया प्रोडक्ट्स खाने को कहते हैं। कुछ मेडिकेशन भी दे सकते हैं, माइल्डर सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जो आपको मेनोपॉज वाली बीमारी में इजीली आपको वो मेनोपॉज तक ले जाने में मदद करें, जब तक आपके सिम्टम्स आपकी बॉडी के साथ कस्टम नहीं हो जाते हैं। बहुत रेयरली कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि बहुत सिवियर मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं और उनको हार्मोन्स मतलब ओरली दे के इंजेक्शन के फॉर्म में पेशेंट को देना पड़ता है, कि क्योंकि वो हार्मोन सडनली बंद हो गए हैं और पेशेंट उसके बिना मैनेज नहीं कर पा रहा है। बट हर मरीज में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको अपने डॉक्टर से मिल के डिसाइड करना है कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। इवन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अलग फॉर्म में भी दी जा सकती है, तो वो हर मरीज़ को देने की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हर फील्ड। हाँ देखा जाए कि आज के अपने विषय के रिगार्डिंग आपने बहुत कुछ जाना है कि इस तरह इसकी मैनेजमेंट की जा सकती है, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि प्रॉब्लम्स आदि नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम तो एक नवे विषय के नाल फिर तो मिलेंगे। तद तक के लिए सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।